नमस्कार, मैं आशु। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सीएम ऐप पर पुष्कर सिंह निवासी देहरादून द्वारा शिकायत दर्ज की गई कि वह 31 जनवरी 2018 को तहसील कोटद्वार से पटवारी के पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन सेवानिवृत्त के लगभग 11 माह बाद ही उनकी ग्रेजुटी, एरियर आदि का भुगतान नहीं हो पाया, जिस पर उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा था। तभी किसी के द्वारा सलाह दी गई कि वे अपनी समस्या उत्तराखंड के सीएम ऐप पर अपनी समस्या दर्ज करें। ये जानकारी पाकर श्री पुष्कर सिंह ने अपनी समस्या सीएम ऐप पर दर्ज कराई। सीएम ऐप पर उक्त शिकायत मिलते ही डीएम पौड़ी व निदेशक कोषागार पेंशन उत्तराखंड से उक्त समस्या के समाधान की उपेक्षा की गई। शिकायत प्राप्त होते ही डीएम पौड़ी द्वारा एसडीएम कोटद्वार व निदेशक कोषागार पेंशन उत्तराखंड द्वारा मुख्य कोषागार अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को समस्या के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। निर्देशों का अनुपालन करते हुए एसडीएम कोटद्वार व मुख्य कोषाधिकारी ने आपस में समन्वय स्थापित कर पुष्कर सिंह की समस्या का समाधान करा दिया। शिकायत के त्वरित समाधान पर श्री पुष्कर सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, डीएम पौड़ी व निदेशक कोषागार पेंशन उत्तराखंड को हार्दिक धन्यवाद दिया और साथ ही जनता से अनुरोध किया कि वह भी सीएम ऐप का लाभ उठाएं। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो आनंद प्रकाश की खास रिपोर्ट। मैं पुष्कर सिंह पटवारी पद से दिनांक 31 जनवरी 2018 को तहसील कोटद्वार से सेवानिवृत्त हुआ था। सेवानिवृत्ति के लगभग 11 माह बाद भी मेरी ग्रेजुटी आदि का भुगतान संबंधित विभाग से नहीं हो पा रहा था। फिर मेरे द्वारा सीएम ऐप पर अपनी समस्या दर्ज की गई। माननीय मुख्यमंत्री ऐप के अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल और कोषागार के साथ समन्वय स्थापित कर मेरी समस्या का समाधान करवा दिया गया है। वह विभाग द्वारा मुझे ग्रेजुटी का भुगतान किया जा चुका है। मैं जनता से निवेदन करता हूं कि प्रभावित लोग सीएम ऐप से लाभ उठाएं। मैं इस नेक कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सीएम ऐप के अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाकर हमारी ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहें।